केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जैसलमेर में जन आक्रोश रैली के रथों को रवाना किया। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हनुमान चौराहे स्थित मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रथों को रवाना करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुशासन और प्रदेश में बढ़ते अपराध से जनता त्रस्त है। राजस्थान को कर्ज में धकेल दिया गया है। हर जन्म लेने वाला बच्चा अपने सिर पर 85,000 रुपए का अनुमानित कर्जा लेकर के आता है। ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान की सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार की अग्नि में झोंक रखा है, नीचे के धरातल से लेकर के ऊपर तक सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और सरकार के मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है कि जो मन में लोगों के आक्रोश है, सामान्यतया जब सरकारें बनती है, सरकार काम करती है, कुछ लोगों के मन में उसको लेकर के नाराजगी हो सकती है, कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन इस बार राजस्थान की जनता के मन में एक गुस्सा है। इस गुस्से को, इस आक्रोश को एक जन आक्रोश के संकलन के रूप में एकत्रित करके ज्वालामुखी के रूप में फट करके इस कांग्रेस की सरकार को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने ये यात्रा प्रारंभ की है। श्री राहुल गांधी जो भारत जोड़ने के लिए निकले, लेकिन जब राजस्थान में वो निकले और आ रहे हैं, आने से पहले मैं चाहूँगा कि वो जो वादा उनकी सरकार बनने से पहले उन्होंने राजस्थान के किसानों से किया था कि हम 1 से 10 तक गिनेंगे और कर्ज माफ़ी होगी, वो वादा पूरा करके आएँ। जो वादा उन्होंने राजस्थान के युवाओं से किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसका हिसाब किताब पूरा करके आएँ। जो वादा उन्होंने राजस्थान के माँ बेटियों से किया था, महिलाओं से किया था कि हम सलामती का शासन देंगे, हम सुरक्षा देंगे, उनको अपने इसका हिसाब किताब दे करके आएँ।